न्यूजीलैंड के खिलाफ कप्तान रोहित शर्मा ने दूसरे वनडे में कराई दुनिया के सबसे नंबर वन तेज गेंदबाज की वापसी, जिसके डर से न्यूजीलैंड के कप्तान सहित पूरी टीम थर थर कांपने लगी है। दोस्तों अभी देखना चाहते हो आखिरकार ये गेंदबाज कौन है, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों पहला वनडे मुकाबला टीम इंडिया ने 12 रन से जीता न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो वहीं दूसरा वनडे मुकाबला आज दोपहर को खेला जाएगा 1:30 बजे से, और वहीं तीसरा वनडे मुकाबला इंदौर में 24 जनवरी को खेला जाएगा दोपहर के 1:30 बजे से ही। दोस्तों दूसरे वनडे को न्यूजीलैंड टीम को हराने के लिए और इस सीरीज पे कब्जा करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज की वापसी करा दी है टीम इंडिया में, और अब न्यूजीलैंड का हारना 100% पक्का है। दोस्तों आपको पहले वनडे मुकाबले में गेंदबाजी कराते हुए नजर आए थे उमरान मलिक की जगह पर शार्दुल ठाकुर, मगर दोस्तों शार्दुल ठाकुर दूसरे वनडे से बाहर हो चुकी हैं। दूसरे वनडे में शार्दुल ठाकुर नहीं खेलेंगे, बल्कि शार्दुल ठाकुर की जगह पे उमरान मलिक आपको दोबारा से टीम का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे और गेंदबाजी करते नजर आएंगे। हम उम्मीद ये करते हैं कि उमरान मलिक पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ दें आज। वैसे गाइस आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दूसरा वनडे मुकाबला क्या टीम इंडिया जीत पाएगी, क्या इस सीरीज पे कब्जा कर पाएगी।